हेलो 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 टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। हम आपके लिए रोज नए नित्य नए नए वीडियो लेकर आते हैं और वैसे ही आज एक फिर से वीडियो लेकर आए हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के वैसे तो मैंने पहले बता दिया है, बट बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत एकदम मतलब त्रस्त हुए पड़े हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाए, दो चार चीज़ें बताएं ताकि उनका टेंशन ही दूर हो जाए। तो सबसे पहले दिक्कत बच्चों को ये आ रही है कि वहाँ पर ऐसा लिखा है कि 2022 के बाद अप्रैल में बना हुआ होगा कास्ट सर्टिफिकेट तो वैलिड है, नहीं तो फिर तुम भाड़ में जाओ। ऐसा तो गलत बात है, लेकिन क्या कर सकते, लिखा तो है। तो एक बात सोच लो भाई, आपको एक चीज मान लेनी है कि आप जब NTA के लिए फॉर्म भर रहे हैं, बाद में MCC की काउंसिलिंग का फॉर्म भरेंगे, फिर CGDME का काउंसिलिंग का फॉर्म भरेंगे। एक बात साफ साफ याद रखिएगा कि जो ST SC OBC की कैटेगरी होती है उसमें एक सेंट्रल लिस्ट होती है, उसमें आपकी कास्ट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास अपने स्टेट का छत्तीसगढ़ का इशूड, अगर आप MP के हैं कहीं और गए हैं तो आपके स्टेट का भी, आपके स्टेट का इशूड कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो 50 करोड़ साल पुराना भी है तो वैलिड है, ठीक है, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कोई रिन्यू के लिए नहीं बोलती है, बस OBC वालों को अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोलती है। कास्ट सर्टिफिकेट वो जब आदि मानव होते वो आग का आविष्कार हो रहा था उस समय जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा वो भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन NTA की तरफ से जो लिखा गया है, अगर आपके पास कोई पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है ना, 5 साल पहले 6 साल पहले या वही आगे का आविष्कार हो रहा था, उधर पहिया बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, कपड़ा वपड़ा बना रहे थे, कुछ तो कर रहे होंगे, खेती बाड़ी सीख रहे थे, तब का अगर कोई है तो NTA क्या बोली है कि एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना भाई, तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, है अगर सेंट्रल इशूड वाला अप्रैल 2022 के बाद का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काहे मेरा वीडियो देख रहा, नहीं है तभी तो दिक्कत है, नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो। डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप बनवाओगे सेंट्रल का फॉर्म, सेंट्रल का सर्टिफिकेट। अब मान लो कि भाई नहीं बनवाया, छोड़ो ना सर कहाँ लगे हो, नहीं बनवाते मत बनवाओ, लेकिन तब के केस में क्या होगा, जब आप MCC की काउंसिलिंग कराएंगे, MCC का मतलब अदर स्टेट के लिए और क्या, एम्स के लिए और क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, तब ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी, तो तब के केसेस में आप क्या हो जाओगे, तब के केसेस में आप हो जाओगे जनरल, क्या हो जाओगे जनरल, यानी कि UR में काउंट हो जाओगे। भगाएगा क्या कोई आपको, कोई भगाएगा नहीं, आपका फॉर्म फाड़ के फेंक देगा नहीं, आपका मार्कशीट फाड़ के फेंक देगा नहीं, आपको बोलेगा जाओ वापस जाओ जेल में जाओ भगो यहाँ से, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। बस यही एक दिक्कत होगी कि आप जनरल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फिर भी नहीं बनवाया लेकिन CGDME का काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बिंदास कोई दिक्कत नहीं, कराइए, क्योंकि इसकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। लेकिन फॉर्म भरने के समय सबसे अच्छा क्या होगा कि आपकी कास्ट अगर सेंट्रल लिस्ट में आती है, उसकी लिस्ट भी निकलती है, ओबीसी की लिस्ट, एसटी की लिस्ट, एससी की लिस्ट, आप गूगल करिएगा, विकिपीडिया से भी निकल जाएगी, मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी मिल जाएगी, डायरेक्टली PDF निकलेगा अपना स्टेट वाइज, आप जिस स्टेट में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ओबीसी की पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट में अपनी कास्ट का नाम खोजिएगा, मिल गया तो टेंशन नहीं है, सर्टिफिकेट की अप्लाई करिए, बन जाएगा सेंट्रल वाला, बनवा लीजिए। दूसरा चीज ये कि अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है लेकिन आपका स्टेट आपको किसी कैटेगरी में रखता है, जैसे मान लीजिए मैं त्रिपाठी हूँ, वैसे तो मैं UR में आता हूँ हर जगह पर सेंट्रल में मेरा नाम नहीं है, और छत्तीसगढ़ वाले बोल देते हैं कि भूपेश काका कि ये त्रिपाठी जी जो है कल से ST के अंदर आएंगे, तो मैं तो छत्तीसगढ़ में ST हो गया ना, मोदी जी नहीं मान रहे हैं,
भूपेश काका तो मान रहे हैं, तो काका जी अगर मान रहे हैं तो मैं छत्तीसगढ़ के अंदर एसटी होऊंगा, सेंट्रल में मैं यूआर होऊंगा, सेंट्रल की कोई भी काउंसिलिंग होगी, सेंट्रल का कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या किसी और स्टेट में एडमिशन लेने के लिए जाऊंगा तो मैं यूआर से आऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एडमिशन लूंगा तो मैं एसटी से एडमिशन लूंगा और एसटी के लिए मेरे पास सर्टिफिकेट होगा। लेकिन मैंने जब फॉर्म भरा है एनटीए के लिए तब तो मैं यूआर, जब मैंने एनटीए के लिए फॉर्म भरा है तब मैं यूआर हूं, लेकिन वही यूआर वाला मैं कहां सर्टिफिकेट लगा सकता हूं? क्यों यूआर हूं? क्योंकि मेरा नाम ही नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, त्रिपाठी जी यूआर है। ठीक है, समझो, बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा टेंशन मत पालो। आपके पास है बना हुआ, अच्छी बात है, नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में नाम है, आप बनवा लीजिए। जनरली लगभग हर कास्ट का नाम सेंट्रल लिस्ट में है, छत्तीसगढ़ के जितने भी एसटीज हैं सबका नाम सेंट्रल लिस्ट में है, ओबीसीज का नाम सेंट्रल लिस्ट में है, शायद एकाध या दो ही कोई मिस होती होंगी, वो भी एससी से मिस होती होंगी, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। वरना ऐसा कोई अलग से कोई लिस्ट नहीं होता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैच होता है। अगर आपका नाम नहीं है, आपके कास्ट का नाम नहीं है, तो आप यूआर से भर दीजिएगा या डिक्लेरेशन फॉर्म डाल के भी बाद में पता चला, मान लो डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दिया बाद में पता चला अरे यार अपने पास तो है, कुछ नहीं होगा, आपको जेल नहीं डालेंगे। आपको पता चला कि आप सेंट्रल लिस्ट में है ही नहीं, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म में ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं भैया बनवा लूंगा, अब नहीं बनवा पाए किसी भी कारण से, तो आपको कोई भगा नहीं रहा है, आपको सिर्फ इतना बोल रहा है कि आप यूआर में आ जाए, इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं। आपका कोई फॉर्म कैंसिलेशन नहीं है, कोई फाइन नहीं है, कोई भगाएगा नहीं, कोई जेल में नहीं डालेगा, कोई डंडा नहीं कूटेगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चिंता मत करिए, सिर्फ टेंशन फ्री होके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और हाँ, वो ईडब्ल्यूएस वाला मैंने बताया था, अप्रैल आएगी, उसके लिए अप्लाई कर दो। फोकट का ये सब काउंसिलिंग के चोचले हैं, ये सब कुछ काउंसिलिंग के टाइम पर होगा, अभी तो एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसिलिंग होगा, तो अभी एग्जाम पर फोकस करिए, उसके बाद एग्जाम के बाद करते रहना जितना माथा पच्ची करना है। अभी डिक्लेरेशन फॉर्म डाल डाल के छोड़ दो, है तो ठीक, नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म है तो अपने पास तो है ही सर्टिफिकेट, बस इतनी सी बात है, काहे परेशान होते हैं। चलिए जा रहा हूँ, बाय बाय। कलर देखो मस्त रंग वाला था, टाटा। अच्छा हाँ, थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए, और वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करते हो यार आप लोग, देखते बहुत हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अच्छी अच्छी बातें लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, चलो बाय।